कारण काल काय सांगितलं, संभाजीनगर मी म्हणतो म्हणजे झालं ना, आता नाव बदलायची आवश्यकता नाही। ओ खैरे वा आता बहिरे, ओ खैरे वा आता बहिरे, औरंगाबादचा कायम झाला खसरा आणि भाजपचं सरकार येत नाही तोपर्यंत संभाजीनगर विसरा। कलकी सभा को वो कह रहे थे मास्टर सभा, मास्टर सभा, मास्टर सभा। पूरा भाषण सुनने के बाद हमारे ध्यान में आया लाफ्टर सभा, लाफ्टर सभा, लाफ्टर सभा। में कोविड में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? 1.5 लाख लोगों की मौत हुई कि नहीं हुई? पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या हुई कि नहीं हुई? वसूली के आड़ आने वालों को मनसुख हिरेन बनाया कि नहीं बनाया? 100 करोड़ की वसूली के लिए गृहमंत्री जेल में गया कि नहीं गया? दाऊद का दोस्त जेल में होते हुए भी मंत्रिमंडल में है कि नहीं है? हमारे मजदूर भाइयों को नंगे पांव मुंबई छोड़नी पड़ी कि नहीं छोड़नी पड़ी? मुंबई में मेट्रो का, रास्तों का, सफाई का काम बंद है कि नहीं है? क्या हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे ने कभी यह सोचा होगा कि उनके पुत्र के राज में हनुमान चालीसा बोलना राजद्रोह होगा और औरंगजेब के कब्र पर जाकर माथा टेकना ये राजशिष्टाचार होगा? क्या उन्होंने कभी सोचा होगा औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो? अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे मैं तो अयोध्या जा रहा था, मैं तो बाबरी गिरा रहा था, मैं तो मंदिर बना रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? हमने ये तय किया था हिंदी भाषी महासंकल्प सभा होगी। वैसे तो 1 महीना पहले ही आर्यू सिंह जी और सारे लोग मेरे पास आए और इन्होंने मुझसे समय लिया और उत्तर भारतीय मोर्चा का कार्यक्रम होगा। इसी बीच मुख्यमंत्री जी ने एक सभा घोषित कर दी तो हमारे मीडिया ने चला दिया उत्तर भारतीय मंच का कार्यक्रम नहीं तो मुख्यमंत्री के सभा को उत्तर देने का कार्यक्रम ये यहां पर होगा। वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, कल की सभा को वो कह रहे थे मास्टर सभा, मास्टर सभा, मास्टर सभा। पूरा भाषण सुनने के बाद हमारे ध्यान में आया लाफ्टर सभा, लाफ्टर सभा, लाफ्टर सभा। कल छत्रपति संभाजी महाराज की भी जयंती थी और भगवान नरसिंह की भी जयंती थी। स्वराज की रक्षा के लिए लड़ने वाले छत्रपति संभाजी महाराज और जिन्होंने पापियों के पेट को फाड़ दिया ऐसे भगवान नरसिंह, ये दोनों की कल जयंती थी। और हमको ऐसा लगा कि कुछ तेजस्वी सुनने को मिलेगा, कुछ ओजस्वी सुनने को मिलेगा, कोई तो ऐसी बात आएगी कि जिस बात से हम हिल जाएंगे। लेकिन लाफ्टर शो आखिर तक खत्म ही नहीं हुआ, वही चीजें हमको सुनने को मिली, कोई नई बात हमको सुनने को नहीं मिली। और कल के भाषण में कह रहे थे हमारे एक मित्र 100 सभाओं की बाप सभा, बोले 100 सभाओं की बाप सभा। सही बात है, 100 किसके साथ होते हैं? कौरवों के साथ, पांडवों के साथ 5 होते हैं। कौरवों की सभा कल हुई, पांडवों की सभा यहां हो रही है। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, मुझे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मुंबई में कोविड में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ?
डेढ़ लाख लोगों की मौत हुई कि नहीं हुई, पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या हुई कि नहीं हुई, वसूली के आड़ आने वालों को मनसुख हिरेन बनाया कि नहीं बनाया, 100 करोड़ की वसूली के लिए गृहमंत्री जेल में गया कि नहीं गया, दाऊद का दोस्त जेल में होते हुए भी मंत्रिमंडल में है कि नहीं है, हमारे मजदूर भाइयों को नंगे पांव मुंबई छोड़नी पड़ी कि नहीं छोड़नी पड़ी, मुंबई में मेट्रो का रास्तों का सफाई का काम बंद है कि नहीं है, मुंबई के एसटीपी में 5,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई, यशवंत यादव की संपत्ति 35 से 53 हुई कि नहीं हुई। अब मुझे बताइए, इतनी सारी चीजें होने के बाद इसमें से एक भी चीज के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री बोले? हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के और देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे कि 2.5 साल में इन महाशय ने एक भी भाषण प्रदेश के विकास पर नहीं दिया, प्रदेश के विषय पर नहीं दिया, प्रदेश के लोगों पर नहीं दिया। और अभी अभी हमने हनुमान चालीसा का पठन किया। हनुमान चालीसा तो हमारे दिल में रहती है, पर ये जो रवि राणा, नवनीत राणा है ना, ये नादान है, इनको पता ही नहीं है कि हनुमान चालीसा की 2 लाइनें उद्धव जी को और इस सरकार को पहले से पता है, और सिर्फ उन 2 लाइनों पर वो काम कर रहे हैं। कौन सी 2 लाइनें? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। इसीलिए 24 महीनों में 53 प्रॉपर्टी तैयार हो गई, और यशवंत जाधव ने अपनी मातोश्री को 50 लाख की घड़ी भी दे दी, अपनी मातोश्री को, गलत मातोश्री मत समझना। लेकिन मेरा सवाल है, क्या हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने कभी यह सोचा होगा कि उनके पुत्र के राज में हनुमान चालीसा बोलना राजद्रोह होगा, और औरंगजेब के कब्र पर जाकर माथा टेकना ये राजशिष्टाचार होगा? क्या उन्होंने कभी सोचा होगा? दोस्तों, छत्रपति संभाजी राजे, जिनके बारे में कहते हैं देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, जिस छत्रपति संभाजी राजा को औरंगजेब ने तड़पा तड़पा कर मारा। क्या कहता था औरंगजेब? ये नहीं कहता था कि तुम्हारा राज दे दो, ये नहीं कहता था तुम्हारा किला दे दो, ये नहीं कहता था तुम्हारी संपत्ति दे दो, वो तो एक ही बात कहता था, संभाजी मुसलमान बन जाओ, धर्म बदल दो। लेकिन देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, संभाजी राजे ने कह दिया, अरे जान भी चली जाए न स्वराज दूंगा न स्वधर्म दूंगा। और ऐसे संभाजी राजा का, उनका खून करने वाले, उनको मौत की घाट उतारने वाले, उनकी निर्मम हत्या करने वाले औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है, और तुम देखते रह जाते हो, अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। जो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते थे,
उन्होंने तलवारें म्यान कर दी होगी, लेकिन हमने अपनी तलवारें म्यान में नहीं रखी। हम मुकाबला करेंगे, डट के करेंगे, ठोक के करेंगे। वैसे तो हिंदी भाषियों का सम्मेलन है, किंतु ये सारे हिंदी भाषी मुंबई कर है। और इन मुंबई करों को मराठी भी समझता है, लेकिन एक मुंबई कर ऐसा है, वो है तो मुंबई कर पर ढा रहा है मुंबई पर कहर। ऐसे मुंबई कर को मुझे कुछ बताना है, इसलिए आज मैं मराठी में भी बोलने वाला हूं। अरे मैंने जब कहा मी जिमा म्हणालो, राम जन्मभूमीच्या आंदोलनामध्ये अयोध्येमध्ये तुमचा एकही नेता नव्हता, किती मिरची लागली? अरे मैं तो अयोध्या जा रहा था, मैं तो बाबरी गिरा रहा था, मैं तो मंदिर बना रहा था, तुझको मिरची लगी तो मैं क्या करूं? आणि डिसेंबरमध्ये नगरसेवक ॲडव्होकेट देवेंद्र फडणवीस बाबरी पडायला गेला होता, तुम्ही गेले होते सहलीला, आम्ही नव्हतो गेलो सहलीला। अरेल्या लाठ्याही खाल्ल्या म्हणून इथपर्यंत पोचलो, सोन्याचा चमचा घेऊन पैदा झालेलो नाहीये। एकट्या कोणी टाकल्या होत्या आणि कुठे टाकल्या होत्या, कोणी टाकल्या होत्या आणि कुठे टाकल्या होत्या आम्हाला एकदा सांगा उद्धवजी। आणि म्हणून कार सेवको का मजाक उडाने वालो को मैं कहना चाहता हूं, पण उद्धवजी तुम्हाला असं वाटतंय माझ्या पाठीत खंजीर खुपसून तुम्ही माझं राजकीय वजन कमी करू शकाल? लक्षात ठेवा, हाच देवेंद्र फडणवीस तुमच्या सत्तेच्या बाबरी ढाच्याला खाली आणल्याशिवाय या ठिकाणी थांबणार नाही। आणि लक्षात ठेवा, माननीय बाळासाहेब ठाकरे शरद पवारांना मैद्याचं पोतं म्हणायचे, शरद पवारांना मैद्याचं पोतं म्हणायचे। उद्धवजी त्याच मैद्याच्या पोत्याच्या पायावर नाक घासून तुम्ही मुख्यमंत्री झालात। आता कसला आला एक प्रेम तर्फी प्रेम? अरे 5 वर्ष तुम्ही आमच्यासोबत संसार केला, आमची संपत्ती घेऊन पळून गेला, दुसऱ्याशी लग्न केलं, केलं ना संसार आमच्याशी केला, आमच्याच नावावर मतं मागितले, आमच्या नावावर मतं मागितले, आमची संपत्ती घेतली आणि आमची संपत्ती घेऊन दुसऱ्यासोबत लग्न केलं। ऑफिशियल डायव्होर्स तरी करायचा तेही नाही केला, कारण काल काय सांगितलं संभाजीनगर मी म्हणतो म्हणजे झालं ना, आता नाव बदलायची आवश्यकता नाही। ओ खैरे वा आता बहिरे, ओ खैरे वा आता बहिरे, औरंगाबादचा कायम झाला खसरा आणि भाजपचं सरकार येत नाही तोपर्यंत संभाजीनगर विसरा, आता संभाजीनगर विसरा, कारण उद्धवजीने काल सोनियाजींना सांगितलं मॅडम चिंता करू नका, आमचा पाठिंबा काढू नका, आम्ही संभाजीनगर करत नाही, आम्ही औरंगाबादच ठेवतो।